गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि शक्कर यानी कि टेबल शुगर ये एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत सारे डायबिटिक्स को लगता है कि उन्होंने अगर अपने खाने में या दूध में या चाय में शक्कर नहीं डाला तो उनका काम हो गया। उनको लगता है कि शुगर यानी कि वाइट शुगर जो टेबल शुगर है सिर्फ वही अवॉइड करना है और चाहिए तो गुड़ आप ले सकते हो, ऐसे उनका मानना है। तो ये सब क्लैरिफिकेशन मैं आज आपको देना चाहता हूँ। तो आप शुरू करते हैं शुगर केन से। तो शुगर केन से शुगर केन जूस बनता है, तो ऑब्वियसली वो शुगर केन जूस में भी बहुत शक्कर होता है, तो डायबिटिक शुगर केन जूस नहीं ले सकता है। फाइनली ये शुगर केन को जब पीस के एक मिक्सचर बनाती है, उसको ड्राई कर देता है, उसकी पानी इवेपरेट हो जाता है, तो जो बचता है वो गुड़ बनता है। कुछ और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फिर वो गुड़ बनता है। तो ये गुड़ दो तरह का होता है, एक लाइट ब्राउन होती है, एक डार्क ब्राउन होता है। जो लाइट ब्राउन गुड़ होता है उसमें जो ग्लूकोज प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, और जो डार्क ब्राउन गुड़ होता है उसमें ग्लूकोज प्रोपोर्शन थोड़ा कम है, पर उसमें भी ग्लूकोज है। एक रफ कैलकुलेशन अगर लें तो एक चम्मच शक्कर इज इक्वल टू दो चम्मच गुड़, यानी कि गुड़ में 50% शुगर होता है और 50% जो है फाइबर्स होती हैं, और क्योंकि उसमें फाइबर्स होती है उसमें आयरन और कुछ विटामिन और कैल्शियम वगैरह भी हो सकता है, तो वो एक एडेड बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें शुगर नहीं है, उसमें भी काफ़ी शुगर है, और ये डायबिटिक्स स्पेशली जो मॉडरेट एंड सीवियर डायबिटिक्स है वो ये यूज़ नहीं कर सकता है। फिर इस मिक्सचर को, ये गुड़ जैसा ये मिक्सचर को और भी रिफाइन करे और उसको जो है क्रिस्टलाइज कर दे, तो वो क्रिस्टल्स जो फॉर्म होता है बनता है ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में उतना ही फर्क है कि थोड़ी सी जो फाइबर्स है वो बच जाता है ब्राउन शुगर में, और इसलिए उसमें ग्लूकोज यानी कि सुक्रोज के अलावा कुछ तरह के विटामिन मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। और ब्राउन शुगर थियोरेटिकली उसमें जो ग्लूकोज का प्रमाण वाइट शुगर से कम है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को मिठास नहीं मिलता है तो उन लोग जरा एक्स्ट्रा गुड़ डाल देते हैं या फिर एक्स्ट्रा ब्राउन शुगर डाल देते हैं, और एक्चुअली जो ग्लूकोज कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। एंड फाइनली जब ब्राउन शुगर की जो केमिकल्स और निकाल दे तो पूरी तरह क्रिस्टलाइज होकर वाइट शुगर बनता है, जो हम कॉमनली टेबल शुगर जैसा यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा शुगर जो है जो वाइट शुगर में है उससे थोड़ा सा कम, या पर इसमें प्रैक्टिकल डिफरेंसेस नहीं आता है, उससे थोड़ा सा कम ब्राउन शुगर में होता है, उससे थोड़ा कम होता है डार्क ब्राउन गुड़ में होता है, डार्क कलर गुड़ में, और उससे थोड़ा कम जो लाइट ब्राउन गुड़ में है उससे थोड़ा ज़्यादा शुगर लाइट ब्राउन में होता है, एंड फाइनली शुगर केन जूस में भी शुगर होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है डायबिटिक अवॉइड करना चाहिए, खासकर जो मॉडरेट और सीवियर डायबिटिक्स है उसको ये सारे चीज़ें अवॉइड करना पड़ता है। नाउ अगर हम शुगर के बारे में डिस्कस करें तो शुगर एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ होता है, यानी कि कोई भी चीज़ प्रिजर्व करने या तो बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल जैम्स में इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन शुगर है कि बैक्टीरिया उसमें ग्रो ही नहीं होता है, और इसके लिए शुगर एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ होता है। शुगर अल्कोहल्स क्या है? जो वाइन में होती है वो शुगर अल्कोहल्स होता है। शुगर अल्कोहल्स भी अराउंड 50% शुगर वैल्यू होता है, यानी वाइट शुगर के अनुसार उसमें 50% ग्लूकोज बढ़ाने की ताकत होता है। तो ये आप ध्यान रहे कि वाइट वाइन या रेड वाइन में भी शुगर होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर अल्कोहल्स। तो ये भी बहुत लोग मानते हैं कि वाइन ले सकता है क्योंकि उसमें शुगर नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें ये शुगर अल्कोहल्स है जिससे शुगर बढ़ सकता है। और फिर हम बात करेंगे शुगर एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो केमिकल्स है, और ये केमिकल्स कई तरह के होते हैं। कॉमनली जो यूज़ होता है वो है एस्पार्टेम और फॉस्फोरिक एसिड। तो आप ये डाइट कोलाज अगर आप देखोगे तो डाइट कोला में जनरली एसिल सल्फामाइन, एस्पार्टेम एंड फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ केमिकल्स है, इससे मुंह में टेस्ट मिलता है लेकिन इसमें कैलोरीज जीरो होता है, इसमें ग्लूकोज नहीं होता है, पर ये केमिकल्स है तो काइंड ऑफ हम रेकमेंड तो नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत जो स्टडीज हुई है उसमें से एक स्मॉल क्वांटिटी अगर आप डेली यूज़ करना चाहोगे, डेली ऑल्टरनेट डे वन टैबलेट और यू नो वन और टू टैबलेट्स पर डे, तो शायद उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, बट ये कोई डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। एंड फाइनली जो ब्लड शुगर है वो जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं, डाइसैकेराइड फॉर्म्स में होते हैं, वो तरह तरह के खाने में यानी कि चावल में, गेहूं में और अन्य तरह के जो वेजिटेरियन आइटम्स में, इसमें भी तरह तरह के डाइसैकेराइड होते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है। तो आप याद रखो कि ये सब चीज़ों में ग्लूकोज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने
वाइट शुगर यूज नहीं किया, टेबल शुगर यूज नहीं किया, या और आपको लगता है कि गुड़ यूज कर सकता है, तो डैट इज रॉन्ग, वो नहीं यूज कर सकता है और उससे जो ब्लड शुगर है ये बढ़ सकती है। यस, एकदम माइल्ड डायबिटिक हो या वेरी वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक हो तो एक स्मॉल क्वांटिटीज यूज कर सकते हैं, पर इसमें आपको आपके डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना चाहिए और उसके एडवाइस के अनुसार ही इसको यूज करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।